ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर शामली से है, जहां कैराना क्षेत्र के गांव मंडावर व गांव नगला राय में सरकार द्वारा रेत खनन के लिए ठेकेदारों को पट्टे आवंटित किए गए हैं, जिसमें ठेकेदारों को एनजीटी नियमों के अनुसार रेत खनन करने के आदेश दिए हुए हैं, परंतु ठेकेदार द्वारा एनजीटी के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। रात दिन अवैध रूप से यमुना नदी में रेत खनन किया जा रहा है, यमुना नदी के सीने को चीरकर रेत खनन किया जा रहा है। प्रतिबंधित मशीनों द्वारा यमुना नदी से भारी मात्रा में रेत निकाला जा रहा है, जिस कारण आगामी बरसात के दिनों में यमुना नदी के आसपास मौजूद गांव में बाढ़ का खतरा भी सताने लगा है। वहीं हो रहे अवैध रेत खनन से खनन माफियाओं के हौसले भी बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी शिकायत पहले भी कई मर्तबा ग्रामीणों द्वारा संबंधित अधिकारियों को की जा चुकी है, परंतु आज तक रेत खनन माफियाओं पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई है। यमुना नदी में हो रहे अवैध रेत खनन के चलते अधिकारी भी मौन दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर कोई भी कार्यवाही अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि अवैध रेत खनन पर अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है या नहीं, या फिर खनन माफिया के हौसले लगातार इसी तरह बुलंद होते रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर की और अधिक जानकारी के लिए शामली से हमारे साथ संवाददाता आजाद जुड़ चुके हैं। आजाद बताइए, क्या है पूरा मामला? आजाद बताइए, क्या है पूरा मामला? जी मैम, देखिए जनपद शामली के कैराना क्षेत्र के गांव मंडावर में नगला राय में सरकार द्वारा रेत खनन के ठेकेदारों को पट्टे आवंटित किए गए हैं, जिसमें ठेकेदारों को एनजीटी के नियमों के अनुसार खनन करने के आदेश दिए गए हैं, परंतु ठेकेदारों द्वारा एनजीटी के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। रात दिन अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। ये जो रेत खनन हो रहा है, ये किसकी शह पर हो रहा है? रातों रात अगर ऐसा बड़ा काम हो रहा है तो प्रशासन इस पर क्या कुछ कहना चाहता है? देखिए, इसमें प्रशासन तो बिल्कुल मौन दिखाई दे रहा है, प्रशासन तो इसमें कोई भी कार्रवाई कर नहीं रहा है। आपको बता दें कि ये जो खनन है, ये सरकार के द्वारा सभी ठेकेदारों को एनजीटी के द्वारा नियमों के आदेश पर जो है खनन करने के आदेश दिए हैं, परंतु जो ये खनन हो रहा है तो रात दिन किया जा रहा है, अवैध रूप से ये खनन हो रहा है। जनपद शामली के जो गांव मंडावर में नगला राय है, इसमें रात दिन खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर गांव वालों को बाढ़ आने का खतरा भी बना हुआ है। जी, बाढ़ आने के खतरे की आपने जिक्र किया आजाद, तो ग्रामीणों का क्या कहना है? उनके सामने ये रेत खनन हो रहा है, अगर मौसम परिवर्तित होता है, बाढ़ आती है, तो ग्रामीणों को क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो उस पर ग्रामीण क्या कह रहे हैं, वो किस बात की चिंता जता रहे हैं? जी, वहाँ से देखिए, अभी वहाँ के जो ग्रामीण है उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो ये खनन है, पांच साल के लिए यहाँ पर पट्टे आवंटित किए गए हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को भी शिकायत की है, परंतु इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। गाँव वालों का कहना यह है कि इसमें जो बरसात होती है तो इसमें बाढ़ आने का खतरा है, और गांव में पहले भी यहां पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जी मैम आजाद, क्या किसी के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है इस मामले पर? जी मैम, देखिए गाँव वालों ने जो यहाँ वहाँ के गाँव के लोग हैं, उन्होंने कई बार शिकायत की है, परंतु उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अधिकारी वहाँ पर जाते हैं, परंतु खानापूर्ति करके अपना वापस आ जाते हैं। इस पर कोई भी खनन अधिकारी है या कोई भी अधिकारी है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उसके द्वारा ही जो वहाँ के ठेकेदार हैं, उनके हौसले इसीलिए बुलंद है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आजाद, हमारे दर्शकों से जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।